What's up, Cap Gang? Welcome back to another Pubg Mobile का एक शानदार मुक्केदार कतई मिलिट्री बेस के अंदर घुस के आग लगाएदार गेमप्ले। मैं जा रहा हूँ उड़ता पुड़ता मिलिट्री बेस में। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो कैसे मिलिट्री बेस एक्चुअली में पहले इल्यूमिनाटी का घर था। अगर तुम शेप देखोगे इसकी तो ये इल्यूमिनाटी से मिलती जुलती है। जी हाँ, ये एक्चुअली में मिलिट्री बेस पहले एक इल्यूमिनाटी का घर था। अगर तुम देखोगे सी बिल्डिंग एक्चुअली उसकी आंख है। वो आंख राइट साइड से हल्की सी टूटी हुई है, वो अलग बात है, नहीं तो तीन तरफ से जुड़ी हुई। तो भाई ये एक चीज थी जो मेरे को पबजी वालों ने बताने से मना करी थी, लेकिन नेवर माइंड, मैंने इनका दो कड़ी का सीक्रेट है लाइक अब यू नो बाहर लीक कर दिया, नेवर माइंड। लेकिन आ गए हम मिलिट्री मैन, देखो बताएगा इस लाइक मेरे को पता चल जाता है कि ये गेम खतरनाक होने वाला है। बताऊँ क्यों? क्योंकि भाई मेरे को जब भी उतरती है ना, आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी उतरती मेरे को मिलती है ना M416 द गार्ड गन, मैं समझ जाता अरे ये गेम तो गया, नहीं ये गेम तो मैं जीत गया, बस अब तो ख़त्म है सब लोग, अब तो बस पेलम पाली चलेगी, क्योंकि मेरे पास तो एकदम खतरनाक गन आई गई है। अब तो बस टावर तोड़ किल पे किल होंगे एंड बंदों पे घुसा जाएगा, तो फिर क्या था, M416 है तो डरने की क्या बात है, जलाओ बंदों को एंड घुस जाओ बंदों पे। I got supplies. अब ये स्क्वाड का तो भाई हमने एकदम तेजी से ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब इनका सीन ही ऐसा था भाई, ओपन ने भागे भागे आ रहे हैं। इनका जो पहला बंदा था उसका तो भाई अलग ही लेवल पे कच्चे यू नो नशे वशे करके पड़ा था, सीने में आग लग रखी है, मौली उसके ऊपर पड़ी हुई, लेकिन भाई S12 क्या चला रहा है भाई, एटीट्यूड एंड स्वैग हो तो ऐसा हो, वरना हो ही नहीं भाई। तो इधर तो मैंने भाई नीचे जल्दी से एक बंदे को यू नो खत्म किया मस्त नॉक फिनिश बॉट को, एंड फिर तुम्हारे भाई ने क्या खतरनाक थर्ड पार्टी, मतलब पूछो मत, दो स्क्वाड एक दूसरे पे हमला कर रही थी। पहले तो मैंने ना किल चोरी करा, एंड किल चोरी करने के बाद ना मैंने दोनों के दोनों स्क्वाड पूरी की पूरी मार दी घुस के। भाई ये बंदा तो कंफ्यूज था, जिंदगी से करूँ तो करूँ क्या, नहीं भाई इसका नाम सबका बाप रावण था ना, राम का नाम सुने हो, चलो कोई देन यू विल रियलाइज हू इज टू डेड, बट नेवर माइंड। अब तो क्या हुआ, उसके बाद हमने पूरा इसको अच्छे खासे यहाँ पे मिलिट्री बेस को हमने चक्का चट साफ किया, एंड इतने में हमको गोलियां सुनाई देती है सी बिल्डिंग के बाद और बंदे। मैंने कहा अरे भाई ये कितने बंदे हैं भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं ये बंदे, इतने बंदे दिखे तो नहीं थे आते हुए। तो मैं पूरा फुल स्पीड यू नो अपनी M416 के साथ यू नो भूखे कुत्ते की तरह, किल की भूख एंड केड़ी के लालच में अंधों की तरह निकल लेता हूँ बंदे की तरफ। अब मैं तो जाता हूँ भाई बंदे पे घुसने के लिए, लेकिन वो बंदे अलग ही स्वैग, मतलब अलग ही लेवल का एटीट्यूड गाइस, उसने मेरे को बॉट ही समझ लिया भाई, मेरे को बॉट समझ के मारने आ रहा। मैंने कहा अरे भाई तेरा मजाक उड़ रहा है, मैं असली प्लेयर हूँ यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो, लाइक मैं बॉट थोड़ी ना, कैसे आ रहा है भाई, मतलब सीधा भागा भागा आ रहा है ना, डर रहा है, मतलब फुटस्टेप में तो मतलब बॉट है, वेरी गुड। नहीं इसको अवार्ड दो ना, गिव हिम अ मेडल, नहीं मैक्स 10 के बाद एक केडी का प्लेयर कोई है तो ये, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। कैपिंग अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है ना तो नीचे आकर के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हम लोग 1.5 मिलियन के बहुत पास हैं, हम लोग 1.5 मिलियन की स्पेशल लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन स्ट्रीम लाइव हिट करेंगे, जिसका अलग ही स्वैग है, अलग ही मजा आता है, अलग ही जिंदगी का मजा आता है उसमें। तो लाइक तो तुम नीचे आकर के ना सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे तुम मेरी वीडियो मिस ना करो।
अब इस स्क्वाड के मैंने तीन बंदे तो एकदम यू नो सफा चट एक पहले फुर्सत में उड़ा दिए, लेकिन इसका जो चौथा बंदा था वो भाग गया। हमें लगा था वो भाग गया, लेकिन हमें का पता था कि वो वापस आएगा। अपनी स्क्वाड वालों का बदला लेने के लिए वापस आएगा कैप गैंग, वो वापस आएगा। अभी तो इसके तीन तीन बंदों को हमने बड़े यू नो मजे से पेला है, अच्छे से पेला है। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने जल्दी से ना अपना ये जो अम्यूजमेंट पार्क का उड़ने वाला यू नो उड़ने की सबसे अच्छी जगह यही है, मैं एकदम उड़ गया। लेकिन मेरे को एकदम से तभी जो क्रैकर भैया है उन्होंने बताया कि सामने जो पहाड़ है ना उस पहाड़ के ऊपर बंदे बैठे हैं। मैंने कहा आइला जादू, ये बंदे इधर टीपी भी कहा ले रहे है? मैंने कहा ऐसा है क्या? और इनमें से एक बंदा तो भाई मेरे को स्पॉट करके मेरे को डीपी मार रहा है। मैंने कहा अरे भाई ये गुस्सा हो गया भाई, मेरे को हवा में ही मार देगा ये बंदा, तो मैं जा रहा हूँ ना भाई, मैं जा रहा हूँ। मेरे को पता नहीं, वैसे गाइस मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या हवा में बंदे को मार सकते हैं, मेरे को नहीं पता, नहीं मेरे को सही में नहीं पता। और मेरे को इनका चौथा बंदा भी दिख गया था, हमारे सामने ही है नादान परिंदा, हाँ हाँ ऊपर बैठा हुआ है इस बिल्डिंग के, आ रहे हैं बेटा हम आपको पेलने के लिए। अब मैं घुसा तो इसको मारने के लिए, लेकिन इसको कोई सी और नहीं मार दिया ना, वो पहाड़ वालों ने इसको दे दिया। मैंने कहा ये सही है बॉस, नहीं 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 ये सही है, वैसे गोली की आवाज भी नहीं आई कब आके इसको लग गया और इसके पास धुआं ही दिखा मैं तो मैंने M16 मारी फिर इन्हें। तो मेरा पूरा प्लान अभी ऐसा था कि इन लोगों को ना प्रेशर में लाया जाए, जिससे कोई गलती करें एक आधा नॉक दे दे, लाइक मेरा तो पूरा वैसा ही प्लानिंग सा था गाइस। लेकिन इन लोगों ने ना बटे डेट वाली हरकत कर दी। अरे पूछो मत भाई, आयला जादू रे जादू ये क्या हो रहा है? यार पबजी वालों, नहीं मेरा दिल का दर्द समझो यार, ये ग्रिज ग्रिज ठीक कर दो यार, ये ठीक कर दो। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब मैं गोली मारता हूँ एंड वो लगती नहीं है बंदे को। मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 मैंने अपने गैस को बोला मैं जा रहा हूँ, उड़ के जा रहा हूँ, मैं इनको घुस के मारने में जा रहा हूँ। मेरे को नहीं अंतर पड़ता मरूँ ना मरूँ भाई, ये ग्रिज की वजह से मैं घुस रहा हूँ, क्योंकि भाई ग्रिज ग्रिज के चक्कर में तो इनको घंटा भी नहीं मार पाएंगे हम। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, हवा में उड़ो यू नो डायरेक्ट डोरेमोन के उड़ने वाली उड़न तस्तरी से उड़ के आ गया वो बेटा मैं यहाँ पर। अब हेलीकॉप्टर आ, आ, आ। एकदम इसकी स्क्वाड हमने बिल्कुल साफ कर दी। कैप्टन है आपको मैं बताने चाहता हूँ, इसी के साथ हमारी प्यारी श्री खतरनाक श्री पियर्सन डेविडा बेटिंग वेबसाइट जिसका नाम है वन एक्सपेक्ट, जो कि स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर के आप अगर डिपॉजिट करते हो 100 रुपीज़ तो आपको बोनस 100 रुपीज़ और मिलते हैं अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो KingAnBru। जी हाँ, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, जाओ दबाओ खेलो स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन करो। एंड ऑफकोर्स अगर तुम लोग उसके अंदर डिपॉजिट करते हो कितना भी अमाउंट हो, कितना भी आपकी मर्जी, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजते तो आपको मौका मिलता है गिव अवे का, गिफ्ट कार्ड जीतने का गूगल प्ले का, जो कि एक लकी विनर को रोज मिलता है। एनिमीज अहेड, तो जरूर जाकर के डाउनलोड करना, रजिस्टर करना एंड डिपॉजिट करना अमाउंट वन एक्सपेक्ट में, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड भाई हम आ गए वापस से फाइट के अंदर। तो इधर क्या सीन होता है ना गाइस कि अभी मेरे सामने पूरे यू नो चार चार बंदे हैं, एंड ये चार बंदों की एक्चुअली बहुत अच्छी चीज ये थी कि एक दूसरे को कवर देके खेल रहे थे। लाइक अगर मैं एक को पीक करने के लिए मारूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मारा, तो इसके बंदे कवर फायर में मेरे को उल्टा मार रहे थे, तो मेरे को लाइक खड़े होकर ओपन में तो इनको मारना मेरे लिए बड़ी यू नो प्रॉब्लमेटिक बात थी। एंड स्पेशली जब मेरे को दूर से यू नो कार 98 के चाटे पड़ रहे, राइट वाले हमारे गुटका
अरे भाई ये जो गुटका है ना भाई, गटका, इधर सबसे टेस्टी गुटका मिलता है, इतना बता दे तुम्हें कि भाई आटू मैक्स मूड होकर अपना तुम पहले जाओ। मेरा कहने का मतलब भाई ये था कि यहाँ पर सबसे टेस्टी गुटका मिलता है गटका में। ये गुटका, इसका नाम गुटका कर देना चाहिए, गटका से हटा करके ना, वैसे ही गटका जैसी हल्का लाइक जगह है, गुटका टाइप भाई अजीब सीन है। पता है मैं तो शरीफ की तरह डोर बंद कर रहा था, लेकिन बंदों का एटीट्यूड देखो, डोर ही तोड़ दिया मेरा। बेटा बड़े एटीट्यूड में आ रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि जोन तुम्हारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर है, एंड जोन बाबा तुमको धोखा दे देंगे। तो सामने वाली हमारी जो पूरी प्लानिंग यहाँ पर ये थी गाइस, के सामने वाले स्क्वाड को ना हम सप्रेस्ड रखे, अंडर प्रेशर रखे, अंडर फायर रखे, जिससे वो लोग ना भार ना पाए। नहीं नहीं, अच्छा ही थोड़ी लगेगा कि ये लोग ओपन में आ रहे हैं हमको मारने के लिए। नहीं 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 नहीं, तो इनको हमने ना अपनी कार 98 से हो गया, M416 से हो गया, बहुत ज़्यादा सप्रेस रखा कि ये लोग भार ना पाए। एंड देखते ही देखते इनकी गर्लफ्रेंड ने तो इन्हें धोखा दिया ही, साथ में इनकी जो पबजी की गर्लफ्रेंड है जो कि है जोन बाबा, जोन बाबा ने भी इन्हें धोखा दे दिया गाइस, जस्ट लाइक योर एक्स। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये पबजी का जोन है मेरे बेटे, ये काटता है बढ़िया, ना बढ़िया काटता है, ऐसा काटेगा अपना एक्स का नाम भूल जाओगे, सिर्फ रात में सोते सोते भी ना रोते हुए पबजी का जोन का नाम लोगे। अरे भाई मजाक नहीं हो रहा, ये पबजी का जोन है, बड़ा खतरनाक है, दिन रात का डेटा है। नहीं मतलब तुम्हें जोन तो आना नहीं है। नहीं, इनकी बिल्कुल गाइस एंड मूवमेंट तक ना मूवमेंट नहीं हुई, ये बंदे उसी रिज से ना पीक लेते हैं, नॉकआउट होते हैं, पीक लेते नॉकआउट होते हैं, ग्रेनेड से फटते चाटे खाते। नहीं भाई तुमको क्या नशे हैं भाई, नहीं तुम चाहते क्या हो, तुम हमें नॉकआउट कर नहीं पा रहे हो ना, तुम्हारी कोई घंटा गोली लग रही है हमें, तुम जोन के बाहर फालतू ही बैठ करके अपनी कमर से मटका रहे हो। नहीं भाई मजाक हो रहा है कि तुमने बॉट समझ रखा हमें, तुम क्या अब कब आओगे, आखिरी टाइम पे आओगे जोन में, फिर तो तुम भी और भी बुरा पिटोगे। अभी इतना तुम्हारे पास टाइम है जोन में आने का, तो आ जाओ ना, नहीं आ जाओ, नहीं आ रहे हैं, छुपे हुए हैं, नोबड़े कहीं गए, अलग ही स्वैग है गाइस इनका, क्या ही बताऊं मैं। और जब जोन बाबा आने लगे ना पास में, तब फटी इनकी, नहीं नहीं तब बढ़िया वाली फटी, तब इन्हें याद, अरे भाई जोन जाना है हमें, तो स्मोक वो करके पुश कर रहे हैं लड़के, मतलब इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम बताओ, नहीं क्या कर रहे थे, नहीं बता दो। Enemies ahead! एंड इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साफ, रेड को जो ना काटे पे काटे करके झिका झिक साफ। एंड क्या भी अगर तुम्हें वीडियो में मजा आ रहा है ना अभी तक, तो भाई अब तो और खतरनाक हो जाएगा गेम प्ले। तो तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, यार अब तो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि हमने यहाँ पे ताबड़ तोड़े स्मोक करके पूरा अब यहाँ पे लूटा लाठी करी है। एंड जो स्क्वाड आई थी उसका रश हमने सक्सेसफुली रोक दिया, उनको पेटी बना करके वापस लॉबी चुप करके भेज दिया है। तो भाई नीचे जा कर गाइस सस्ते लाइक कर, देखो महंगे लाइक की तो बात कर नहीं रहे, मतलब आराम से दबाना स्क्रीन पे, ज़्यादा जोर से दबाते हो तो टूट टाट ना जाए भाई, फेविकॉल के पैसे मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं मतलब मैं नहीं दूंगा, बट अगर तुम्हें तब भी पैसे चाहिए फेविकॉल के तुम्हारी स्क्रीन टूटने के, तो तुम ऐसा करो न्यू फोन ही ले लो। तुम कह रहे हो एनब्रो तू बहुत बोल रहा है, नहीं तू बहुत बोल रहा है एनब्रो तू बहुत, देखो गाइस मैं एक पोको F1 का ना गिव अवे कर रहा हूँ, हाँ जो कि रियो टीवी पे हो रहा है, जहाँ पे मैं सुबह 12:30 बजे लाइव आता हूँ। ये पोको को मैं कैसे गिव अवे कर रहा हूँ, एक टूर्नामेंट के थ्रू गिव अवे कर रहा हूँ, मतलब कि भाई तुम लोगों को खेलने का मौका मिलता है। एंड ये क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं अभी अगले 20 दिन तक, और सोलो टूर्नामेंट है, आना है आपको खेलना है, टॉप 2 या टॉप 3 आना है, रोज 3 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं फाइनल्स के लिए, 20 दिन बाद फाइनल होगा, जो जीतेगा उसको मिल जाएगा फ्री का पोको F1। तो भाई आज और रियो टीवी पे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जी हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट, डिटॉल के सस्ते रहे एवरीबॉडी। देखा गया तुम्हारे भाई की प्रमोशन टेक्निक्स कहाँ से कहाँ आ गए, देखते देखते मतलब लाइक मांगे थे कहाँ से कहाँ आ गए, गिव अवे प्रमोट कर लिया अपना मैंने इसी बहाने, नहीं गए एकदम स्वैग में। तो अब मेरी यार HP कम थी थोड़ी, मतलब गलत है थोड़ा, लाइक HP इतनी कम कैसे,
देखो गाइस मेरे घर के बाहर ना डॉग भौंक रहा है। इसका नाम है वैसे क्या नाम था, इसका नाम जैक्सन है पता है मेरे को। लाइक एक बार ना कूद करके मेरे घर में आ गया था जैक्सन। मैंने कहा भाई क्यों आए हो, तो मैंने उसे भगाने की कोशिश करी, लेकिन उसे लगा कि मैं उसके घर में आया हूँ गलती से ना, तो वो मेरे घर में नहीं आया, उसे ऐसा लगा कि मैं उसके घर में आया हूँ। तो फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके इतने बड़े बड़े दांत और मेरा हाथ अंतर ही नहीं दिख रहा था, अभी भौंक के मेरी मौत ही बुला रहा है। सॉरी जैक्सन बाबा, मैं माफ कर दो। एंड हमारा जो ब्रूनो डॉग, जो हमारा फालतू डॉग है, वो तो मजे में सोता रहता, उसको अंतरिक्ष नहीं पड़ता है, मरे एन ब्रू जाके घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो अब क्या होता है कि यार देखो जो जोन है छोटा हो चुका है, 12 बंदे जिंदा हैं, तो 2-3 स्क्वाड तो जिंदा होंगी। अब मैं जब सीधा गाड़ी लेके जा रहा था, तो एकदम से हम पे M4 का स्प्रे आता है। मैंने कहा ला जादू, ये कहाँ से हो रहा है, अरे पाजे इतना स्वैग, अरे रुको रुको रुको, नहीं अब हम आ गए, अब मारना जरा स्प्रे, कहाँ छुप गए। ना बेटा अभी तक तो बड़ा स्प्रे स्प्रूसा मार रहे थे, अब क्या हुआ, पैंट गिल्ली हो गई, लेट गए हैं गुटका धारे नाकन मन के, तो मैं डूबरा अभी तो तुम्हारा यू नो खुले में आके तुम स्प्रे मार रहे थे, जैसे ही गड्डी रुकी तुम्हारी तो पैंट गुल्ली से हो गए रे बाबा। ना ऐसे नहीं होता ना भाई, या तो तुम बुलाओ ना, अब तुम बुला रहे हो तो लड़ लो, इनका दूसरा बंदा भी ऐसे छुपा, वेरी गुड भाई, ओपी कैंपिंग ओपी। तो अब सीन क्या होता है कि 12 बंदे बचते हैं, अब मेरे को 100% शॉट ही थी, लाइक पता नहीं सारे सांप ही बन रखे हैं। गाड़ी किसी पे थी नहीं सामने वाले कंपाउंड वालों में ना, गाड़ी सिर्फ हमारे पास थी पूरे मैच में अभी, तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए टेलीपोर्ट कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कह रहा हूँ मेरे, कह रहे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं खुद को गाड़ी से। बाकी सबके सब लोगों पे फीचर नहीं है गाइस, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है ना, बेचारे गुटका ढाई नागिन बने फिर रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। 60 बंदे जिंदा हैं, लेकिन हम कहाँ रुके, तो हमने लगाया 15 केडी का दिमाग, सबसे सेफ जगह कौन सी है, ये गटर है, तो हम यहाँ गटर में आकर के यू नो मस्त जिंदगी का TPP लेके यू नो स्वैग में जिंदगी काट रहे थे गाइस। ग्रेनेड निकाल निकाल के बंदों पे फेंक लेते, मतलब एकदम मजे से। धीरे धीरे फिर हमको दिखा एक स्मोक, मैंने कहा भाई देखो ये जो स्मोक है ना, ये बंदे इधर ही हैं। एंड जब इनकी लड़ाई हुई ना, मैंने डिसाइड किया यार क्लोजिंग करके ही फायदा है, क्योंकि पता नहीं ये ऐसे ही ना लड़के ख़त्म हो जाए ना, एक दो हमने ऐसे ही रैंडम फायर मारे तुक्का लग जाए। वैसे कहाँ तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी ना है कि तुक्का लग जाए, ना 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 ना। तो फिर मैंने सोचा चलो क्लोज ही नहीं कर लेते, लाइक अब तो क्या ही करे, तुक्का तो लग नहीं रहा है, मेरी गंदी शक्ल ही इतनी है कि क्या तुक्का लगेगा। कर लिया क्लोजिंग, धीरे धीरे यू ना बैठे बैठाए जा रहे हैं। एंड फिर मेरे को एकदम से पता चलता है कि ये फाइट 3v3 है एक्चुअली में, तो मैं हो जाता हूँ कतई यू नो रेडी कि आयला जादू जादू रे जादू, 3v3 फाइट है गाइस, ये फाइनल सर्कल की इंटेंस फाइट होते हुए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। तुम्हारा भाई गुटका धारी नागिन बन के स्मोक्स मार करके धीरे धीरे जोन में जा रहा है, धीरे धीरे। और जैसे ही मैं स्मोक्स के थ्रू निकला, मेरे को एक बंदा खड़ा हुआ दिखता है, बैठा हुआ दिखता है, वो इधर उधर हिल रहा होता है, और मेरी M416 पे 6x लगा होता है, और उसका टकला दिख रहा होता है। तो फिर हम लोग गए धीरे 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 सांप बन के जोन में जा रहे हो, तो और इतने में हमको लेफ्ट साइड से भाई गोलियां पड़ती है। मैंने कहा अरे ये कौन है, इसी के साथ विनरू विनरू चिकन डिनरू। क्या अगर वीडियो पसंद आते हैं और नीचे करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, दबा दो सब्सक्राइब का बटन एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे तुम कोई मेरी वीडियो मिस ना मारो। एंड ऑफ कोर्स मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए चेक आउट 1xBet एंड आई विल सी यू टुमारो, पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।